देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। बटोंगे तो कटोंगे, जब आप जाति में समाज को बांटेंगे तो वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी है, हाथ में हाथ रख के थोड़ी बैठी रहेगी। रामो रहीमो नानको ईसा तो सब नर्म है, चमचों को तो देखिए अग्नि से ज्यादा गर्म है। मुसलमानों में जाति का भेदभाव है? बताइए बताइए, क्या मुसलमानों में जाति होती है? मैं चैलेंज करता हूं। हैं? अरे सर सुनिए, जैसे दलित महादलित पिछड़ा अति पिछड़ा गिनवाते हैं, क्या जातियों में बटा हुआ हिंदू एक होना चाहिए या नहीं? तो हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं है, उसका नाम है दंगाई यात्रा। बीजेपी तो बोलेंगे आप, बीजेपी तो कुछ भी बोलेंगे आप। ये कहते तलवार बांटो, हम कहते कलम बांटो। तेजस्वी और तेज प्रताप को तो पढ़ा लेते, ये बात क्या हो रहा है? अपना पढ़ाई किया नहीं। अगर परिवार में नाइन्थ फेल है इसका लड़का तो मैं पूछूंगा। आप देख रहे हैं ये देश है हमारा, अमीश देवगन के साथ। नमस्कार व्यूअर्स, मैं हूं अमीश देवगन और आप देख रहे हैं वीकेंड का सबसे भरोसेमंद कार्यक्रम ये देश है हमारा। लोकसभा चुनाव के दौरान एक नया सियासी ट्रेंड दिखा, जब विपक्षी दलों ने खुलकर अलग अलग जातियों का मुद्दा उठाया। जाति वाली जनगणना की आवाज बुलंद होती गई और कुछ जगहों पर विपक्ष को इसका संपूर्ण फायदा भी मिला, क्योंकि हिंदू वोट में एक बड़ा बंटवारा हुआ। लेकिन हरियाणा चुनाव के बाद एक बड़ा घटनाक्रम हुआ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां बटेंगे तो कटेंगे वाला संदेश दिया, तो इसका असर भी दिखा। और अब महाराष्ट्र का चुनाव है तो एक बार फिर से इस नारे की गूंज महाराष्ट्र की धरती पर सुनाई दे रही है। तो सवाल यह है कि क्या बीजेपी ने विपक्ष की कास्ट इंजीनियरिंग का तोड़ खोज लिया है? आज इसी सवाल पर एक सार्थक राजनीतिक बहस यानी पॉलिटिकल डिबेट होगी। लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष भी चुनाव में सारे दांव पेच आजमा रहा है। यूपी के उपचुनाव में अखिलेश यादव ने 9 में से 4 सीटों पर मुसलमान उम्मीदवार का दांव खेलकर बीजेपी को फंसा दिया है। और महाराष्ट्र में उनकी पार्टी के एक बड़े नेता अबू आजमी कह रहे हैं कि अगर उनकी पार्टी के 8 विधायक जीत गए तो महाराष्ट्र में किसी की मां ने दूध नहीं पिया होगा जो मुसलमानों पर ज्यादती कर सके। तो बड़ा मुद्दा यही है। तो क्या चुनाव अब पूरी तरह से सोशल इंजीनियरिंग और कास्ट इक्वेशन के भरोसे लड़ा जा रहा है? क्योंकि बिहार में गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी खूब तनातनी चल रही है। तो आज इसी पर मेरे युवा मित्रों के बीच, जनता जनार्दन के बीच होगी सबसे बड़ी पॉलिटिकल डिबेट। सियासी लड़ाई बटने और कटने तक आई। हमें याद रखना है, अगर हम बटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। कि बटोगे तो कटोगे, एक रहोगे तो नेक रहोगे। क्या बीजेपी ने विपक्ष के जाति वाले कार्ड की पुख्ता काट खोज ली है? क्योंकि हरियाणा में बटोगे तो कटोगे वाला फॉर्मूले की शुरुआत हुई और इसका पॉजिटिव रिजल्ट बीजेपी को मिला। इसके बाद मुंबई में योगी आदित्यनाथ का ये पोस्टर दिखा और अब बीजेपी के कपिल मिश्रा इसी नारे वाली टी-शर्ट को पहनकर घूम रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की हिंदू स्वाभिमान यात्रा पर भी सियासी नोकझोंक हो रही है। हिंदू जगाने आया हूँ, हिंदू जगाने। जिस प्रकार से गिरिराज सिंह द्वारा जो यात्रा जो चलाई जा रही है, हिमाचल के इलाकों में जाकर के एक प्रयास किया जा रहा है दंगा भड़काने की, वो बात केवल कर रहे हैं कि एक भाई को दूसरे भाई से किस प्रकार से लड़ाने का काम किया जाए। वो खुद माहौल खराब करना चाहते हैं बाप बेटा मिलकर के। दोनों पिता पुत्र कहाँ गए थे एक साल पहले, जब वहां फुलवारी शरीफ में हिंदुओं को घर छोड़ करके बाहर जाना पड़ा। यूपी उपचुनाव में समाजवादी पार्टी की लिस्ट की भी खूब सियासी चर्चा हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने 9 में से 4 सीट पर मुस्लिम उम्मीदवारों पर दांव लगाया है। और इसी बीच कुछ राजनीतिक बयान भी वायरल हो रहे हैं। हर चुनाव में 99% से ज्यादा मुसलमानों ने कांग्रेस को वोट दिया है।
और मुसलमानों के वोट की वजह से सारे कांग्रेस की सीट चुनकर आते हैं। और अल्लाह को आप जिस दिन महसूस कर लीजिएगा पूरी दुनिया इस्लाम ना कबूल कर ले तो मेरा नाम बता दीजिएगा। लेकिन इस सियासत के बीच एक और बड़ी पॉलिटिकल खबर आई है। मुंबई के वर्ली सीट पर आदित्य ठाकरे के खिलाफ शिंदे सेना के दिग्गज नेता और राज्यसभा सांसद मिलिंद देवड़ा ताल ठोकने वाले हैं। उधर शरद पवार गुट के नेता जितेंद्र आभाड़ का एक बयान भी सुर्खियों में छाया है। मैं सिर्फ डरता हूँ मेरा बाप शरद पवार से और मेरे अल्लाह से। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चुनाव जीतने के लिए सभी दलों का पूरा फोकस सिर्फ सोशल इंजीनियरिंग पर है। आज इसी पर जनता के बीच होगी देश की सबसे बड़ी बहस। तो आज की चर्चा के बड़े मुद्दे क्या हैं? आइए आपको बता देते हैं। क्या बटोंगे तो कटोंगे, जाति विभाजन की काट बन पाएगा? क्योंकि अखिलेश यादव का कहना है कि यह नारा बीजेपी की लैब में तैयार किया गया है। चुनाव के बीच हिंदू स्वाभिमान यात्रा का मकसद क्या ध्रुवीकरण है? क्या गिरिराज सिंह ध्रुवीकरण करवा रहे हैं? क्या विकास के मुद्दे का सियासी दौर खत्म हो चुका है? यह भी आज का एक बड़ा मुद्दा है। यह युवा जनरेशन के लिए मैं पूछ रहा हूं। क्या विपक्ष का डर का एजेंडा चलाकर मुसलमान वोट बटोरना चाहता है, अल्पसंख्यक वोट बटोरना चाहता है डर का एजेंडा चला के, चाहे वो अबू आजमी हो चाहे वो बाकी कोई नेता हो? और मेरे साथ आज कौन कौन है इस पैनल में, आइए परिचय करा देते हैं। पहले तो मेरे युवा मित्रों का जोरदार स्वागत है। मेरे साथ आज की चर्चा में शहजाद पूनावाला है, बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन है। संजय गुप्ता नेता शिवसेना उबाटा के यानी उद्धव ठाकरे गुट के। मेरे साथ फराज किदवई साहब है, समाजवादी पार्टी के नेता प्रवक्ता, जोरदार तालियों से अभिनंदन करिए। विवेक श्रीवास्तव है नेता लेफ्ट के, अभिनंदन है। मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ रहे हैं मृत्युंजय तिवारी, प्रवक्ता नेता राष्ट्रीय जनता दल के, वैसे पेशे से क्रिकेटर भी हैं। मेरे साथ स्वामी दीपांकर है, जाने माने आध्यात्मिक गुरु है और जो हिंदू स्वाभिमान यात्रा है उसमें इनका भी बड़ा रोल है। तो आप तमाम लोगों का स्वागत है इस चर्चा के अंदर। तो बटोंगे तो कटोंगे। तो फराज किदवई, आज की चर्चा की शुरुआत इसलिए करते हैं, आपसे करते हैं, अखिलेश यादव कह रहे हैं कि बीजेपी की लैब में तैयार किया हुआ नारा है। अब बताइए, जब आप जाति में समाज को बांटेंगे तो वो भी तो पॉलिटिकल पार्टी है, हाथ में हाथ रख के थोड़ी बैठी रहेगी, कुछ तो कर रही होगा उनको। अमीर जी, आज की इस चर्चा का शुरुआत, सबसे पहले मैं सागर खयामी साहब के एक शेर से शुरुआत करूंगा जी, कि उन्होंने कहा है कि ऐसी कोई मिसाल जमाने में पाई हो, बस्ती किसी की राम ने यारों जलाई हो और नानक ने राह सिर्फ सिखों को दिखाई हो। राम ओ रहीम ओ नानक ओ ईसा तो सब नर्म है, चमचों को तो देखी अग्नि से ज्यादा गर्म है जी। अमीश जी मैं आपको कुछ याद दिलाता हूं। के सुदर्शन जी का नाम तो सबने सुना होगा ना। बिल्कुल। 10 जुलाई 2006 को के सुदर्शन जी ने क्या कहा था कि हिस्टोरिकली द कास्ट सिस्टम हैड बीन द मोस्ट इफेक्टिव गारंटर ऑफ द जॉब। ये बंटवारा था कि नहीं था? और आप इतने ज्यादा कंफ्यूज हैं कि एक तरफ तो आप 2015 में कहते हैं कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए और दूसरी तरफ मोहन भागवत जी कहते हैं कि इस देश के दलितों पर, ओबीसी पर, एससी एसटी पर 2000 सालों तक पशुओं जैसा अत्याचार हुआ। वो अत्याचार किसने किया, मैं ये जानना चाहता हूं। ये बांटने की राजनीति थी कि नहीं थी? और दूसरी तरफ अमीश जी, भारत के प्रधानमंत्री छाती पीट पीट करके कहते हैं मैं ओबीसी। अरे अगर आप बटने पर और कास्ट सिस्टम में बिलीव नहीं करते हैं तो फिर आप अपने आप को फर्जी ओबीसी क्यों कहते हैं? इस बात का जवाब देश की जनता को आपको प्रधानमंत्री जी देना होगा। के सुदर्शन जी, आपको इस बात का जवाब देना होगा। और आप गिरिराज सिंह जी की बात कर रहे थे, अरे बांटने में तो इनको चैंपियनशिप हासिल है, चैंपियनशिप। कहते हैं साहब ट्रेन एक्सीडेंट्स तो मुसलमानों की वजह से हो रहे हैं। एक सूरमा आसामी है असम में, सूरमा आसामी क्या बोलते हैं उनके असम के मुख्यमंत्री के साहब, महंगाई तो मुसलमानों की, सूरमा आसामी, हेमंता विश्व शर्मा है उनका नाम, सूरमा आसामी, हाँ उनको हम सूरमा आसामी बोलते हैं। वो कहते हैं साहब महंगाई तो मुसलमानों की वजह से, उनका नाम है, वो मुख्यमंत्री है एक। अरे ठीक है, उनका नाम भी होगा, मुख्यमंत्री भी है, लेकिन नाम है। हाँ ठीक है, उनका नाम है हेमंता विश्व शर्मा, लेकिन ये सूरमा आसामी जो है कहते हैं साहब महंगाई तो मुसलमानों की वजह से बढ़ रही है। अरे साहब इनको तो चला जाना चाहिए, व्हाइट हाउस का चीफ इकोनॉमिस्ट हो जाना चाहिए कि कम से कम ऐसा डेटा दें जी, वो बताएं कि किसकी वजह से महंगाई बढ़ रही है। इट्स बीन 1.5 मिनट्स, मैं शहजाद पूनावाला का रुख करता हूं डायरेक्टली। शहजाद पूनावाला, बटोंगे तो कटोंगे बीजेपी की रणनीति है। आज हम देख रहे हैं कि बीजेपी के कुछ नेता टी शर्ट डाल के भी घूम रहे हैं कि बटोंगे तो कटोंगे। कपिल मिश्रा ने वो टी शर्ट डाल के ट्वीट करा, बीजेपी के दिल्ली के नेता हैं, विधायक का चुनाव लड़ चुके हैं। पॉइंट ये है, गिरिराज सिंह यात्रा निकाल रहे हैं,
आपके नेता आप पोस्टर लगा रहे हैं विनय सहस्त्रबुद्धे जो कि भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेताओं में से एक है, यानी सीनियर लीडर्स में से एक है, उन्होंने भी मराठी में लिखा कि अगर महाराष्ट्र में वोट कटेगा तो फिर क्या होगा। देखिए जैसे आपने अनइंटरप्टेड टाइम इनको दिया तो मुझे भी उतना ही समय दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, ये तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। अगर योगी जी जो भगवा कपड़ा डालते हैं वो कह दे, मोदी जी कह दे, सरसंचालक जी कह दे, तो वही बयान जो है हमारे लैब से निकलता है। पर वोट जिहाद पर फयाज मियाँ कुछ नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वोट जिहाद सेकुलर है। वोट जिहाद सेकुलर है कि भारत के लोग, हिंदू समाज एक हो जाए। अब देखें यहाँ पर उन्होंने बड़ी बड़ी बातें की कि किस प्रकार से मुसलमानों के बारे में बोला जाता है। सुनिए, मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। मठाधीश माफिया होता है, मंदिर जाने वाले लड़की को छेड़ते हैं, हिंदू टेरर होता है, हिंदुत्व आईएसएस होता है, बीच में नहीं, ये ओपनिंग स्टेटमेंट बीच में नहीं, आईएसएस होता है, 26/11 हिंदू टेरर होता है, द्वारका में नाटक होता है, कृष्ण ने अर्जुन को जिहाद सिखाया, हिंदू डर्टी वर्ड होता है, हिंदू धर्म धोखा होता है, सनातन समाप्त कर देंगे, सनातन बीमारी होती है, इसमें से एक बयान नहीं बोलेंगे। जी जी, अभी फयाज जी ने हिंदू धर्म को लेकर तो बड़ी जातियों के बारे में ज्ञान दिया, पर आपको पता है मैं फयाज जी के साथ बैठ नहीं सकता क्योंकि मैं पसमानदा, हाँ फराज जो भी है, ये सैयद अपने आप को मानते हैं, मैं पसमानदा हूँ। अंसारी, घोसी, धोबी, हलालखोर, इनको मस्जिदों में घुसने नहीं दिया जाता है, इनको रास्तों में सड़कों में नहीं उतरने दिया जाता है। एक बार बताइए कि मुसलमानों में जातिगत भेदभाव है कि नहीं है, मुसलमानों में जातिगत भेदभाव है, बताइए बताइए मुसलमान का वोट जीत करो। अमीर जी मैं चैलेंज करता हूँ इनको, क्या मुसलमानों में जातियाँ होती है? ना ना फयाज की भाई, जातियाँ हैं, मैं चैलेंज करता हूँ, गिनवाते हैं आप, मैं चैलेंज करता हूँ। अरे सर सुनिए, जैसे दलित, महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा गिनवाते हैं, क्या मुसलमानों में जाति गिनवाई जाती है? अमीर जी यहाँ पे ठाकुर ब्राह्मण वैश्य सैनी मौर्य, अरे जी बोलिए, जातियां हैं, लेकिन मैं शहजाद जी से बोलता हूं आपको, मैं ब्रेकिंग न्यूज दे रहा हूं कि अफर्मेटिव एक्शन के लिए अगर मुसलमानों को जातियों में बांटना है तो मैं उसका समर्थन करता हूं। बताइए आप अफर्मेटिव एक्शन देंगे? आप तो मुसलमानों को जो ओबीसी का थोड़ा बहुत आरक्षण मिल रहा है आप तो उसकी उसको भी खत्म ठीक है। शहजाद की टर्न है, आपने आपने देखा एजेंडा क्या है, एजेंडा ये, लेट हिम मेक हिज पॉइंट ना, ओके। वो उन्होंने क्या मुहावरा दिया था, चाय से ज्यादा केटली गर्म। एनीवेज अब मैं बताना चाहता हूँ, देखिए अगर ये अफर्मेटिव एक्शन के लिए है ना, अफर्मेटिव एक्शन के लिए है ना, अब बताइए कि अगर मुसलमान धर्म में इतनी जातियां हैं तो एंटी कन्वर्जन लॉ का विरोध क्यों करते हैं जहां पर बोला जाता है कि मुसलमान होने से कास्ट डिस्क्रिमिनेशन खत्म हो जाएगा। अगर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है तो एंटी कन्वर्जन लॉ का विरोध ना करें, बोले समाजवादी पार्टी एंटी कन्वर्जन लॉ के साथ है, क्योंकि मतलब आपको धोखा दिया जाता है इस्लाम में आने के बाद कोई कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। ओके ओके, मैं बाकी लोगों के होता है बोले, ओके मैं आपको, मैं एंटी कन्वर्जन लॉ पर आपसे आगे राय लूंगा। तिवारी जी देखिए, आप पेशे के से क्रिकेटर हैं, यानी क्रिकेट आप बैटिंग बॉलिंग जो भी करते होंगे, एक सवाल बताइए, ये कहां से एक नई आप कहानी लेके आ गए कि अब लालू प्रसाद यादव को भारत रत्न दे देना चाहिए? किस चीज के लिए? किस चीज? बीजेपी कह रही किस चीज के लिए दे? अरे भाई, भ्रष्टाचार के लिए? बीजेपी क्या कहेगी, आदरणीय लालू प्रसाद जी तो 35 वर्षों से बीजेपी लड़ाई लड़ रही है, राजनीतिक लड़ पा रही है। आदरणीय लालू प्रसाद जी गरीबों के मसीहा हैं, सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, महानायक हैं, ये कोई भुला सकता है, कोई मिटा सकता है क्या? क्यों नहीं मिलना चाहिए? इसमें आप क्या सवाल कर रहे हैं? बीजेपी, बीजेपी की हैसियत है आदरणीय लालू प्रसाद जी के सामने राजनीतिक लड़ाई लड़ने की? देख रहे हैं क्या क्या हो रहा है, इसके बाद भी नंबर वन पार्टी है बिहार में राष्ट्रीय जनता दल। देखिए हम लोगों का स्पष्ट मानना है, अभी ये ज्ञान दे रहे थे हिंदू मुसलमान, ये देश की खूबसूरती है, न हिंदू बनेगा न मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा, हम ये कहते हैं। इसलिए कहा जाता है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, तो बिल्कुल ये तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि लेकिन हम बता रहे हैं, लेकिन ये बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, इन नौजवानों को बता रहे हैं, हम कह रहे हैं पढ़ोगे तो बढ़ोगे। ये कब बोलेंगे? ये पढ़ाई लिखाई दवाई कमाई सिंचाई, ये तेजस्वी यादव का मॉडल है। ये कहते हैं तलवार बांटो, हम कहते हैं कलम बांटो, यही लड़ाई है। अच्छा, ईंट से ईंट किसकी बजाई जा रही है? ईंट से ईंट उसकी बजाई जाएगी जो दंगा भड़काएगा, जो हिंदू मुसलमान में झगड़ा कराएगा, जो नफरत फैलाएगा, जो समाज में तलवार बांटेगा। ये देश में सबको अधिकार है, ये देश धर्म निरपेक्ष है, इसलिए इसको तो जो लोग, क्या लगता है ये जो लोग है उत्तर प्रदेश से बिहार तक ये नफरत का एजेंडा है? जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं वो सबसे बड़े हिंदू के दुश्मन है। हिंदुस्तान में 80% हिंदू है, इतना कायर है डरपोक है हिंदू जो डरा रहे हैं
क्यों हिंदू को इतना कार समझ रहे हैं? ओके स्वामी जी बांकर, हिंदुस्तान में सर 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 हिंदुओं को कोई डरा नहीं सकता। आपका पॉइंट है, ये पॉइंट है नफरत के खिलाफ तलवार, ठीक है नफरत के खिलाफ है, तलवार मत बांटो, प्यार बांटो, मोहब्बत बांटो, और मोहब्बत की दुकान के आप भी ग्राहक बन जाइए। आप लोग क्यों नफरत बांट रहे हैं, ये आरोप लग रहा है। गिरिराज सिंह नफरत फैला रहे हैं, योगी आदित्यनाथ बटेंगे और कटेंगे कह रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं स्वामी जी? मैं दो तीन बात कहूंगा। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है इंसान बनेगा। ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इतना उसको भागों में बांट दीजिए कि वो क्या बनेगा उसे खुद भी नहीं पता लगेगा। अभी मैं दो तीन चीजें बोलूंगा, खास खास जो बात है। हिंदू जोड़ो यात्रा या सनातन जोड़ो यात्रा या भिक्षा यात्रा या हिंदू स्वाभिमान यात्रा, जातियों में विभक्त सनातन को एक करने की है, उससे किसी राजनीतिक व्यक्ति और राजनीति लेना देना चवन्नी नहीं है। मैंने खुद मंच से इस बात को कहा कि यह यात्रा किसी दल की नहीं है बल्कि संगठित हुए 100 करोड़ लोगों के बल की है। जातियों में विभक्त सनातन को अगर एक करना गुना है तो पुणे की यरवदा जेल से जब कम्युनिस्ट कब एक अवार्ड का घोषणा किया गया था, गांधी जी धरने पर बैठ गए कि मेरे देश को मत बांटिए। मैं अकेला नहीं हूं। अगर जातियों में विभक्त सनातन को एक करना कोई अपराध है तो अपराधी हो सकते हैं दादा, मगर जातियों में बटे हुए हिंदुओं को जोड़ना, कौन सी डिक्शनरी में लिखा है कि गुनाह है, कौन सा संविधान में लिखा है कि अपराध है? पर बटोगे तो कटोगे कहना सही है। बटोगे तो कटोगे का अर्थ क्या है? कटोगे कटोगे का अर्थ मात्र तलवार लेकर काटना है, यही आप समझ रहे होंगे? मैं बिल्कुल समझ रहा हूं, आप यही समझ रहे होंगे। बटोगे कटोगे का अर्थ यह है कि आप अपनी जड़ों से भी कट जाते हो। यह यात्रा 23 महीने की है। इस यात्रा ने 80 लाख हिंदुओं को एक किया और यह यात्रा आगे भी निरंतर चलती रहेगी। इस यात्रा से किसी राजनीति का लेना देना नहीं है, ना मैं कुछ राजनीति का हिस्सा हूं, मगर मैं अब से पहले कर रहा था। 6 दिन अगर किसी व्यक्ति ने मेरा साथ दिया तो मैं विवेक भाई को कहता हूं, मृत्युंजय भाई बैठे हैं, अन्य 4 लोग बैठे हैं, चले मेरे साथ यात्रा में, मैंने कब रोका? कब रोका? ठीक है ठीक है, आपने अपनी बात को रख लिया, लेकिन 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 मैं सीधा रुख करता हूं आपका। विवेक विवेक, आपको भी यात्रा का न्योता है, आप भी चले जाइए। अरे भाई दंगाई यात्रा में कौन जाए? आप सुनिए, दंगाई यात्रा हम तो उसको दंगाई यात्रा कह रहे हैं, वो हिंदू स्वाभिमान यात्रा नहीं है, उसका नाम है दंगाई यात्रा। हिंदू यात्रा करते चलो, दंगे कराते चलो, समाज को बांटते चलो, भाजपा को जिताने की कोशिश करो, ये है एजेंडा। गिरिराज सिंह कौन है? पॉलिटिकल नहीं है, डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, वकील हैं, कौन है? आप कह रहे हैं कि आपकी यात्रा नॉन पॉलिटिकल है, उसकी अगुवाई जो आदमी कर रहा है वो सबसे बड़ा डिविजिव आदमी है देश और बिहार की पॉलिटिक्स का, और उसको एडवाइस करने वाला मेन आदमी कौन है, सबसे खतरनाक शख्स इस देश का, वो ये खड़े हुए हैं, अमीश जी की डिबेट में रेगुलर आते हैं, पीछे खड़े रहेंगे, एडवाइजर यही है, प्लानर यही है, सारी सोच इनकी है, और गिरिराज सिंह को आगे कर दिया, यह है कि नहीं ये बताइए। आप भिक्षा यात्रा से शुरू हुए थे, सुनिए, आपने कहा था, मैंने पूछा था आपसे और अमीश जी के सामने पूछा था, इस भिक्षा यात्रा का क्या मकसद है? आपने बोला साहब जो विभिन्न जातियां उनको जोड़ना, मैंने बोला बड़ी अच्छी बात है। मैंने बोला पूरे भारत को जोड़ो, तो आपने बोला ठीक है साहब, इसमें मुसलमान भी आए ईसाई भी आए, मैं उसका भी स्वागत करूंगा। आज आप बताइए हिंदू स्वाभिमान यात्रा के बजाय भारत स्वाभिमान यात्रा कब निकालेंगे आप, ये बताइए मुझे। ठीक है, यू मेड योर पॉइंट, स्वामी जी, 10 सेकंड, 10 सेकंड, मेक योर पॉइंट, 10 सेकंड, देन शहजाद, देन संजय गुप्ता। ओके, मैंने आज तक नहीं कहा कैमरे के सामने झूठ नेता ही बोल सकता और वो आप बोल गए, मैंने आज तक नहीं कहा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, मेरा परमात्मा साक्षी है, मैं किसी के प्रति उत्तरदायी नहीं हूं, अपने देवता के प्रति। मैंने आज तक नहीं कहा कि मैं जो ऑलरेडी जुड़े ही हुए उन्हें क्या जोड़ूं, जो बिखरी हुई जातियां उन्हें ना जोड़ूंगा और उन्हें जोड़ने का काम कर रहा हूं। या एक बात, आप सब लोग बैठे पढ़े लिखे विद्वान लोग हैं, क्या जातियों में बटा हुआ हिंदू एक होना चाहिए या नहीं? तो यार मेरा क्या गुनाह है? वो रैली करने से एक होगा या समाज में डिस्क्रिमिनेशन खत्म करिए, इंटरकास्ट मैरिज पूछिए, ये इंटरकास्ट मैरिज बटोगे बटोगे और कटोगे एक गलत बयान है। आप खड़े होकर अपनी बात को रखिए। बटोगे कटोगे का मतलब जैसे इन्होंने कहा है, काटने का मतलब तलवार नहीं होता, जड़ से काटना, जो स्वामी जी ने कहा कि जड़ से कट जाओगे वही है। अगर मैं इनसे पूछना चाहता हूं, ये बोल रहे हैं कि मुसलमानों की जात नहीं होती, मुसलमानों में जात होती है, आप उनमें क्यों नहीं फूट डालते, हिंदू में ही क्यों फूट डालते हो, किसी को जाति में क्यों काटते हो? जी जी जी, किसी युवा का सवाल है, किसी युवा का सवाल है। ओके, क्या सवाल है? अफर्मेटिव एक्शन की आप बात कर रहे हो, कांग्रेस के 3 दिग्गज नेता थे, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, तीनों ने मंडल कमीशन का विरोध किया। सीताराम केसरी कांग्रेस के लौटे ओबीसी नेता, उनकी धोती उतार कर उनका बाहर कर दिया। और मृत्युंजय जी बात कर रहे हैं कि तलवार सब में बटेगी,
पत्थर की बात आज कोई नहीं कर रहा, वो इसलिए क्योंकि अगर हिंदू एक होगा तो इनका जो वोट है वो नहीं कट पाएगा, वो नहीं कट पाएगा, हिंदू एक होगा तो वोट नहीं कट पाएगा। ओके, आपका क्या पॉइंट है सर? आपसे सवाल है सर, आपने तेजस्वी यादव बिहार में लोकतंत्र बचाओ संविधान बचाओ और जन विश्वास यात्रा निकाली थी, उससे किसी को कोई तकलीफ नहीं हुआ था। जब गिरिराज सिंह बिहार के अंदर हिंदू संविधान यात्रा निकाल रहे हैं, उसे बिहार के विपक्ष को तेजस्वी यादव किस चीज से दिक्कत? कोई दिक्कत क्यों होगा? हम सबसे बड़े हिंदू है, किसी से बड़े हिंदू है। अगर ये कोई कह रहा हिंदुस्तान में कि हिंदुस्तान के हिंदुओं के स्वाभिमान को जगाइए, ये तो बांग्लादेश पाकिस्तान चला जाना चाहिए। अरे हिंदुओं का देश हिंदुस्तान है या सभी धर्मों का सम्मान है, ये संविधान कहता है, ठीक है। लेकिन आप बताइए, आपको नौकरी चाहिए, पढ़ाई लिखाई चाहिए, भूख लगेगी तो हिंदू मुसलमान करेंगे, बिहार के दंगा करेंगे। मैं बिहार के गोपालगंज जिला से हूँ जहाँ लालू यादव का गृह जिला है, वहाँ पे 15 साल लालू यादव और राबड़ी देवी मुख्यमंत्री रहे, आज तक एक विश्वविद्यालय नहीं है वहाँ। उस समय आपका जन्म हुआ था सर, बाहर करके पढ़ने जाते हैं वहाँ के, उस समय रेलवे स्टेशन नहीं है, उस समय रेलवे स्टेशन नहीं है, उस समय आपका लोग दूसरे जिले में कितने बड़े थे सर, उस समय कितने बड़े थे? मैं सर था ही नहीं सर, अभी नहीं था, अभी 20 वर्षों से किसकी शासन है? उससे पहले क्यों नहीं विश्वविद्यालय बना? ये न पूछो, जी 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 ये पूछो, लालू प्रसाद जी के शासन काल में विश्वविद्यालय बने, विद्यालय बने, अभी क्यों नहीं बना? 20 वर्ष का नौजवान तो एनडीए शासन काल में जन्म हुआ है, लालू यादव पर सवाल कर रहे हो शहजाद? पॉइंट ये है कि क्या आपको लगता है कि चुनाव के बीच में ये जो बटोंगे और कटोंगे का नारा हरियाणा से महाराष्ट्र पहुंचा है, आपका भी पॉलिटिकल एजेंडा है, यानी सोशल इंजीनियरिंग की, जो विपक्ष की सोशल इंजीनियरिंग है उसकी काट है? क्योंकि प्रधानमंत्री ने भी बोला कि अगर बटोंगे तो बांटने वाले महफिलें सजाएंगे। मैं 20 सेकंड में अपनी बात को 30 सेकंड दिया आपको, किसी के आप लोग शांत बैठिए प्लीज, तीनों का और आपका जवाब दे रहा हूं। अभी विवेक भाई ने इनको कहा कि ये लोग जो कर रहे हैं ये दंगा यात्रा है, सनातनी निकले तो दंगा यात्रा, और जो सरतन से जुदा की रैली निकले तो वो तो शांति दूतों का महफिल है, वो शांति दूत है, वो फरिश्ते हैं, हाँ वो हमारे भारत के फरिश्ते हैं जो सरतन से जुदा नारा लगाते वोट जी आपका। अच्छा दूसरी बात, इन्होंने कहा कि पढ़ोगे तो बढ़ोगे, तेजस्वी और तेज प्रताप को तो पढ़ा लेते तो तब तो बहुत। अच्छा भाई मेरी बात हो जाने दीजिए, मेरी बात हो जाने दीजिए भाई, गूगल के प्रवक्ता जी और तेजस्वी यादव पर सवाल, अभी सबने देखा अभी सारे नौजवानों ने ऐसा क्या हुआ? तीन बयान सुनाया है तो टैबलेट से अच्छा मुझे तो सुनाई भी नहीं दिया, क्या बोला क्या आपने? एक सेकंड क्या बोला आपने? एक सेकंड ये तेजस्वी यादव के पढ़ाई पर ठीक ये बात क्या हो रहा है? अपना पढ़ाई किए नहीं, ये टैबलेट दिखाकर के प्रवक्ता गिरी कर रहे हैं और तेजस्वी यादव पर सवाल कर रहे हैं। आप 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 अमीश जी, मैं किसी के बीच में जी बोलिए और मैं आप एक सेकंड शांत होंगे आप शांत होंगे अभी आपका एक्शन लेना पड़ेगा आपको एक्शन पर अच्छा क्या जब मोदी की आप डिग्री पूछते हैं तो वो व्यक्तिगत नहीं है, अब तेजस्वी यादव की डिग्री पूछती तो व्यक्तिगत नहीं होगा। प्लीज डोंट इंटरप्ट, हम तो जा रहे हैं। एक सेकंड बोलिए अमित जी, यादव जी बिहार के एक सेकंड शो में क्या आप चाहते हैं मैं डिबेट को रोक दूं? आप लोग नहीं चाहते? ओके ओके नहीं, यू मेक योर पॉइंट। ओके आप कहिए इनको टैबलेट नहीं दिखाएंगे, ठीक है टैबलेट नहीं दिखाएंगे, टैबलेट नहीं दिखाएंगे, टैबलेट नहीं दिखाएंगे, आप अपनी बात करते हैं। हम भी लैपटॉप लाते हैं। मैं एक तो इन्होंने बोला कि मैं लैपटॉप दिखाता हूँ, लैपटॉप नहीं तो क्या आज के आधुनिक काल में लालटेन दिखाता फिरूं क्या? लालटेन दिखाऊं? अरे क्या इनका रनिंग कॉमेंट्री? अनिश जी प्लीज मुझे बात करिए, और मैं सुनिए, हम खड़े हैं आपके लिए। एक सेकेंड अमीश जी, जो दूसरों को इस बच्चे को नसीहत दे रहे कि पढ़ो लिखाई कमाई करो, तो अपने मुख्यमंत्री होने के बाद अगर परिवार में 9th फेल है इसका लड़का तो मैं पूछूंगा जो करना है करो, पूछूंगा ये 9th फेल है, 9th फेल है, अमीश जी दिस इज नॉट राइट, पास है ये जनता ने तय किया है, अमीश जी दिस इज नॉट राइट, अमीश जी दिस इज नॉट राइट, ये तरीका नहीं है इनको। अरे एक सेकंड, आप एक इधर आइए, मैं पूरी करूंगा, नहीं अभी नहीं, इस पर नहीं होने देंगे डिबेट, हम इस पर नहीं होने देंगे। इनकी डिग्री कितनी है ये नौजवान? ये क्या तरीका है? ये टैबलेट हाँ ठीक है ठीक है ये टैबलेट ठीक है एक तब होगा डिबेट, टैबलेट ठीक है एक सेकंड लोकतंत्र में
में सबसे बड़े दल के रूप में जनता मृत्युंजय जी आप वरिष्ठ आदमी है, मेरा आपसे निवेदन है, अब आपने बोल लिया व्यक्तिगत मेरे नेता पर बोलेंगे, हमने बोला मोदी जी पर, हमने बोला योगी जी पर, हमने कोई आपत्ति दर्ज किया है, अरे एक सेकंड, अब ठीक है नहीं पर आपको 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 एक सेकंड, ये देखिए ऐसे चर्चा नहीं होगी, आप लोग खड़े हाथ खड़ा करके बताइए, एक एक करके बोले व्यक्ति, हाथ खड़ा करके बताइए आप लोग, बस अब शांत होइए, अब नहीं एक सेकंड, उनका अधिकार है बोलना, वो बोलेंगे, आपने डिसाइड करेंगे, आप डिसाइड करेंगे, आप काउंटर करिए अगर आपको कुछ बात लगती है, ये क्या तरीका है, मुझे चर्चा बीच में रोकनी पड़ जाएगी और ये चर्चा ऐसे ही जाएगी आज, ओके बोलिए शहजाद, एक सेकंड, देखिए यहां पर मैं निवेदन करना चाहता हूं, तमाम पैनलिस्ट मेरे सम्मानित है, ये धमकीबाजी नहीं चलेगी कि ये नहीं ये बोलेगा, उनको जो अधिकार है वो बोले, आपको जो अधिकार है अपनी टर्न पे आप वो बोले, मैं दोनों को नहीं रोक रहा, लेकिन कम से कम बाकी मेहमानों का भी आप सम्मान रखिए, बस ये मेरा निवेदन है, हाथ जोड़ बोलिए शहजाद जी, बोलिए, इन्होंने कहा अभी मुझ पर तंज कसते हुए कि तुम्हारी क्या पढ़ाई लिखाई हुई है, मैं बताता हूं, तुम्हारी नहीं बोले आपकी बोले हैं, हाँ चलिए हाँ ठीक है आपकी बोले आपकी नहीं है, ठीक है यूं शांत हो जाइए आप, तो मैं बताना चाहता हूं कि मैंने बीकॉम, मैंने एलएलबी, मैंने मास्टर्स इन गवर्नेंस, मैंने हेग से समर लॉ प्रोग्राम किया, अब तेजस्वी की बता दीजिए क्या है डिग्री, तेजस्वी यादव की डिग्री बता दो, तेजस्वी यादव की डिग्री अमित जी मैं फिर अब देखिए, ये तो तरीका नहीं ऐसे, आप वो बोले 40 सेकंड फिर आप बोलिएगा 30 सेकंड, अब मैं चुनौती दे रहा हूं कि मैंने अपनी 4 मास्टर्स समर स्कूल प्रोग्राम और लॉ की और बैचलर्स की डिग्री गिनाई है, तेजस्वी यादव जिसका परिवार मुख्यमंत्री रहा है वो अपनी डिग्री बताए, वरना यहां पर आकर लोगों को भाषणबाजी ना करे कि बढ़ोगे तो बढ़ोगे, आप काटते हो हिंदुओं को और इसीलिए बांटते हो, सुनिए अब मेरी आखिरी बात, इन्होंने एक अच्छी बात कही, अच्छी बात भी उन्होंने कही कि ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद इंसान बनेगा, वेरी गुड, यूसीसी का समर्थन करो, 40 यूसीसी का समर्थन करो, 40 सेकंड यूसीसी का समर्थन, अच्छा चलिए 40 सेकंड, अच्छा आखिरी बात, हिंदू बनेगा इंसान मुसलमान बनेगा, इंसान इंसान की औलाद बनेगा ना, तो एक बार इनके नेता ने बोला रामचरितमानस पोटेशियम साइनाइड, ये दूसरों के धर्मग्रंथ के बारे में बोलते, रामचरितमानस को पोटेशियम साइनाइड बोला, एक बार कुरान पाक के बारे में बोल सकते हैं, हैसियत नहीं है इनकी और नहीं बोलना चाहिए, दोनों नहीं बोलना चाहिए, पर मैं पूछना चाहता हूं अब यूसीसी का समर्थन, तेजस्वी की डिग्री और रामचरितमानस, देखिए ये डिबेट मृत्युंजय वर्सेस शहजाद नहीं है, संजय गुप्ता इंतजार कर रहे हैं, हमको 20 सेकंड, ठीक है आपको 30 सेकंड दिए, लेकिन उसके बाद संजय गुप्ता हम कर सकते हैं जी, यहाँ तो नहीं चल रहा है हंसाने के लिए, ये मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं, इतना थोक भाव में डिग्री लेकर आए हैं और गूगल का बाबा का सहारा ले रहे हैं, इसी से पता चल रहा है नौजवान जान रहे कि क्या डिग्री आपकी है, और ये बात कर रहे थे रामायण की, रामायण तो हम पॉकेट में लेकर घूमते हैं, देखिए ये क्या चुनौती देंगे, ये फर्जी लोग ढोंगी लोग ये हिंदू मुसलमान करके नौजवानों का भविष्य बर्बाद करना चाहते हैं, तो ये बांग्लादेश पाकिस्तान बनाना चाहते हैं क्या, पाठ कर रहे हैं वहां से ईंट ईंट से ईंट बजाने का पाठ कौन कर रहा है, नहीं ईंट से ईंट बजा देंगे, जो हमारे गंगा जमनी तहजीब को खत्म करेगा, जो भाईचारे को खत्म करेगा, जो तलवार को बांटेगा, संजय गुप्ता स्वामी जी धर्मों का सम्मान करेंगे, जो निशाना आप पे है, निशाना आप पे है जवाब, अगर हमारी कहीं मिस्टेक या गलती हो तो निसंदेह हमें सुधारना चाहिए, मगर जहां तक हमने बयान देखा तेजस्वी जी का, तेजस्वी यादव जी का बयान था कि अगर मुसलमानों की तरफ किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसकी ईंट से ईंट बजा देंगे, ये बयान था, अब सुन सुन अब आगे तो बोल लेने दीजिए ना, अब मेरा आगे कहना यह है, कोई अंधा लंगड़ा लूला अपाहिज ताकतवर कमजोर कोई एक तो कह दो यार, किसी ने हिंदू की तरफ गलत किया तो उसके लिए भी कुछ होगा, दादा 40 सेकंड, ये गलत है 40 सेकंड दीजिए फिर आप बोलिएगा, दूसरा अगर मेरी यात्रा आपको या स्वाभिमान यात्रा या हिंदुओं को जोड़ने की यात्रा गलत है तो बांग्लादेश की उन माओं की आंख में आग डालकर बोलकर आपकी डिबेट करने की हिम्मत है, 90 में कश्मीर में बहनों के साथ क्या हुआ, उनके परिवार की आंख में आग डालकर आपकी बात करने की हैसियत है,
अगर आप डिबेट करिए बहुत अच्छे, बोल दीजिए कि मुसलमान बहुत खराब होते हैं, डिबेट करिए बहुत अच्छे, मैं मुसलमानों से नफरत करता हूं, बोल दीजिए मुसलमान अगर आएंगे तो हिंदुओं को खतरा है। आपको क्या मुसलमान, अगर आपको इतनी नफरत है एक समुदाय से तो खुल के बोलिए, पसंद है सुन रही है जरा, लेकिन 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 उन्होंने कई मुसलमानों से तो खतरा बताया, वो कह रहे हैं ना जातियों में बड़ा बड़ा हिंदू खतरा है। नहीं सुनिए, बहराइच में एक लड़का आप जैसे लोगों के भड़काने पे एक मुसलमान के घर पे चढ़ा और उसका झंडा उतार के भगवान को गोली मार देंगे, आप जैसे लोग भड़काते गोली मार देंगे, क्या कह रहे हो, गोली मार देंगे, क्या कह रहे हो, गोली मार देंगे, नहीं 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 अमित तो गोली मार देंगे, ये क्या तरीका है, झंडा निकाल तो गलत, इनका चेहरा देखिए, लड़के को किसने भड़काया, झंडा निकाल तो गोली मार देंगे, भड़का रहे नहीं हो सकते, बहुत गजब बोला इन्होंने भाई, और इसके लिए भी हिम्मत चाहिए, मैं चाहता हूँ इस हिम्मत के लिए ताली बजाओ यार, कौन बोलेगा ऐसे कि उसने झंडा उतारा हमने गोली मार दिया बात खत्म हो गई, यही ना कहना आपने भड़काया ना, आप जैसे लोगों ने भड़काया, मतलब कमाल है, आप पर यहाँ पर कोई व्यक्ति है जो किसी के साथ बदतमीजी करेगा तो उसको गोली डाल देंगे, किसी के घर में घुस जाओगे, कानून है सर, कानून क्यों खड़ा हुआ था जब वो लड़का किसी के घर में घुस रहा था सर, क्या कर रहे थे पुलिस वाले, फैसिलिटेट कर रहे थे क्योंकि ऐसे लोग और सरकार और पुलिस भड़का रही थी, कोर्ट है कचहरी है, अरे जब 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 कसाब को भी अधिकार है, कसाब को भी अधिकार है कि भारत की जुडिशरी के तहत सजा पाने का, जिन्होंने जिन्होंने कन्हैयालाल साहू का सरतन से जुदा करा उनको भी अधिकार है कानून के सम्मत उन पे कार्रवाई हो, तो उस पे भी उसका भी अधिकार था, उसका मरने का अधिकार नहीं था, अगर एक रैली में मैं किसी के घर में घुस रहा हूँ और पुलिस खड़ी है, कहाँ थी पुलिस, क्या कर रही थी, विवेक 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 साइलेंस एक सेकंड, मैं संजय गुप्ता के पास आता हूँ, काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, पेशेंटली अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं, संजय जी आप किसकी तरफ है, मैं ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि सपा लेफ्ट कांग्रेस कोई आपको मुख्यमंत्री पद मानने पर आपके साथ नहीं खड़ी है, मैं आपके एक गठबंधन के नेता को कोट कर रहा हूं, समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी, हम सभी दो हैं, हमें 6 से 8 एमएलए और चाहिए, और जिस दिन 8 एमएलए हो गए ना, किसी की मां ने दूध नहीं पिलाया जो मुसलमान की तरफ आंख उठाकर देख सके, सहमत है इस बयान से अबू आजमी के सपा के, हम इस तरह के किसी भी बयान से सहमत नहीं, पक्का, और हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से हैं और बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत कहा है, और सबसे पहले मैं स्वामी दीपांकर जी को नमस्कार करना चाहूँगा और उसके बाद जो शेर इन्होंने कहा था उसका जवाब देना चाहूँगा जी, जली को आँख कहते हैं, बुझी को राख कहते हैं, और जो हिंदुत्व कोई सही से ना समझ पाए उसे ना समझ इंसान कहते हैं, वाह, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय श्री राम, बदले बदले से मेरे हजूर नजर आते हैं, आपके विचार क्या हो रहे हैं, ओहो साहेब यहाँ पे अब चुप हो गए, वो भी चुप हो गए, ये भी चुप हो, ये तो मेरे टीका पर सवाल खड़ा कर, ये बताइए हम लोग बोलते हैं जय सियाराम, गलत मत समझाइए, दोनों में जय सियाराम नहीं, जय सियाराम, ठीक है, एक 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 संजय गुप्ता की बारी है, शिवसेना के संजय गुप्ता की बारी है, मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही है, भले गठबंधन हमारा किन्हीं से भी हो मगर हमने सही बात को सही और गलत को गलत कहा है, जय सियाराम बोलिए, एक मिनट रुकिए आप, तुंजय जी रुकिए आप, उन्हें बोलने तो दे कम से कम, मैं देख रहा हूँ कि कुछ नेता है नारा लगाने लगे, बोल कहाँ रहे, नारा नहीं था ये, तब कहाँ चिर रहे, ये क्या तरीका है, आप लोग ये नारा नहीं था, ये उद्घोष था, उद्घोष कहते हैं, ये तो नारा नहीं है, ये नारा है तकबीर से इनको पूरा लगा, अरे कमाल है, आपके लिए वो ताली बजा रहे हैं, उनके लिए आप ताली बजा रहे हैं, मामला क्या है, देखिए हम देखिए इस देश में अब वही पॉलिटिकल पार्टी रहेगी जो हिंदुत्व की बात करेगी, क्या बात है, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी देश में नहीं रहेगी, चाहे वो ठाकरे का चाहे वो की लाइन नहीं है, शिवसेना मेरी बात को पूरा होने दीजिए सर, सम्मानित, वरना मैं इनको किसी को नहीं बोलने दूंगा, आप कहां से, मैं बता रहा हूं मेरी बात को पूरा होने दीजिए, आप मत दीजिए, आप उधर छोड़िए, हमारे सम्मानित नेता की लाइन नहीं है, ठीक है विवेक 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 अब अपनी टर्न पे बोलिए, पहली बार पे बोलना, आई थिंक उतनी हमने क्या सही देना चाहिए व्यक्ति को, हम बाला साहब ठाकरे की पार्टी से और बाला साहब ने हमेशा सही को सही और गलत को गलत बोला है, गठबंधन में चाहे बीजेपी के साथ रहे चाहे कांग्रेस के साथ रहे, अगर कांग्रेस की कोई बात गलती तो कांग्रेस को बोला है और अगर बीजेपी की कोई गलत बात थी तो बीजेपी को बोला है, मैं किसी भी इस तरह के अबू आजमी का बयान हो चाहे पप्पू यादव का बयान हो, जिस तरह से मुसलमानों की रहनुमाई कर रहे हैं ये इस तरह से दिखाना चाह रहे हैं कि जैसे मुसलमान इस देश में बेचारे हों, ऐसा नहीं है, इस देश के अंदर कानून है मुसलमानों के लिए भी और स्पेशल कानून है,
जो लोग इनसे इनकी इनकी बातें करके अपनी चुनाव की रोटियां या सत्ता की रोटियां सेकना चाहते हैं ना, वो गलत कर रहे हैं। लेकिन आपको आपकी पार्टी को भी दो लोकसभा चुनाव के अंदर एक बहुत बड़ा मुस्लिम वोट मिला जिसकी वजह से आपको जीत के आए आप लोग। देखिए ये गलत एक बात है कि हम किससे जीत के, हम हिंदुत्वी राजनीति करते रहे हैं हमेशा से, और आज हम पे ये आरोप लगाया जाए अगर हम बीजेपी के साथ नहीं है या किसी और के साथ नहीं है तो ये आरोप हम पे लगाया जाएगा कि हमको वोट उनका नहीं मिला, किसी और का मिला है। इस बात की चर्चा, आपका मुख्यमंत्री कौन होगा, आपके आपकी नेता, आपके नेता मुख्यमंत्री होंगे? बिल्कुल हमारे नेता मुख्यमंत्री होंगे, क्योंकि बाला साहब का ये सपना था कि हिंदुस्तान के अंदर प्रधानमंत्री रहे बीजेपी का और महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री रहे शिवसेना का। ये बाला साहब का सपना था और इस सपने को पूरा करने के लिए हम जो भी करेंगे वो करेंगे। तो क्या मतलब इनके साथ भी जा सकते हैं क्या? हमारे लिए कोई सूते थोड़ी ना है। मोदी साहब तारीफ करते हैं, मोदी साहब तारीफ करते हैं, क्या हो गया? हमारे एक पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, हमारे एक पारिवारिक रिश्ते रहे हैं, 30 साल तक पारिवारिक रिश्ते रहे हैं हमारे। अगर आज हम इधर उधर हैं तो ऐसी कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है जो सत्ता के लिए इधर से उधर नहीं गई, गठबंधन इधर से उधर नहीं गया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी है आप मुझे बताइए? तो हम चले गए के लिए, एक सेकंड, ये क्या हो गया भाई? चलिए अब हम चले गए, इधर देखिए, उन्हें समझ नहीं आ रहा वो किस तरफ जाए। अब आप शिंदे जी को एक्सेप्ट करेंगे? आप शिंदे को एक्सेप्ट करेंगे मुख्यमंत्री के रूप में? नहीं करेंगे। क्यों? वो तो कर रहे हैं। कौन कर रहे हैं? वो तो कर रहे हैं जो पड़ोस में आपके, आपको राजनीति नहीं मालूम है? विचारिक मतभेद हो सकता है, विचारिक मतभेद हो। हम ये कह रहे हैं कि शिंदे साहब को मुख्यमंत्री एक्सेप्ट करें? नहीं, उन्होंने नहीं बोले, नहीं बोले। बीजेपी ने क्या बोला? बीजेपी तो चाहती है आप, बीजेपी तो कुछ भी बोलेंगे आप? नहीं, बीजेपी का कहना, बीजेपी का कहना है शिंदे असली शिवसेना है, बाला साहब ठाकरे का असली चेला असली वारिस मोदी जी क्या कहते हैं? उद्धव ठाकरे नहीं है। मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी क्या कहते हैं? मोदी जी की बताइए, मोदी जी को कहना होता हमारे लिए, मोदी जी आप इंडिया अलायंस एक साथ हो भाई, हमारे लिए मोदी जी हैं, इंडिया अलायंस एक है, इंडिया अलायंस एक है, सुन लीजिए। और उद्धव ठाकरे हमारे सम्मानित नेता है, उद्धव ठाकरे की लगी है ना बात में हिंदुत्व की है, और इन्हें आग लगी है। अलायंस लड़ेगी, ये इनकी पर्सनल लाइन है। मैं पर्सनल और नेशनल लाइन की बात कर लेता हूं। विवेक, विवेक फराज के भाई, एक सेकंड, जैसे कहते हैं कि 100 बात की एक बात हो जानी चाहिए यहाँ पर और आर पार हो जाना चाहिए, और आर पार ये कि आप, मैं आपसे क्लियर कट सवाल पूछता हूँ, वो सवाल और उसी सवाल का जवाब दीजिएगा, आप लोग भी ध्यान से सुनिए और उसी का जवाब। पहले विवेक आपसे, उद्धव ठाकरे को बतौर महाराष्ट्र के सीएम कैंडिडेट आप एक्सेप्ट करते हैं क्या? यस और नो? क्या उद्धव ठाकरे ने ये मांग करी? हाँ करी। नहीं करी? करी। उद्धव ठाकरे के कार्यकर्ता ने करी? उद्धव ठाकरे ने कभी नहीं बोला अभी तक। संजय राउत का बयान है, संजय गुप्ता, संजय गुप्ता, संजय गुप्ता, हर पार्टी के कार्यकर्ता, संजय गुप्ता, आपकी आपकी क्या डिमांड है? आपकी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड तो मुख्यमंत्री है हमेशा से, ठीक है। अब बोलिए, बोलिए, आप उद्धव ठाकरे को सीएम कैंडिडेट से बात करते हैं, 10 सेकंड। पहली चीज, उद्धव ठाकरे का हम सम्मान करते हैं। दूसरी चीज, उद्धव ठाकरे हमारा ये मानना है। बीजेपी क्यों छोड़ी? अरे पहले सुन लो यार, तुम क्या सुन लो आप, बीच में बोलते हो आप? अगर बीजेपी को जुड़ना, जुड़ जाओ जाकर के। क्यों नहीं जुड़ेंगे? हमारा मन होगा तो हम जुड़ेंगे, तो बन जाओगे मेंबर। क्यों छोड़ा था बीजेपी को? उद्धव ठाकरे का सम्मान करते हैं, सकते हैं हम? आप सुनिए पहले, हम उद्धव ठाकरे का सम्मान करते हैं। वो सम्मानित नेता है इंडिया अलायंस के, हम मिलकर के लड़ेंगे। 85-85 सीट बांटी गई है। कांग्रेस ने उद्धव ठाकरे का सम्मान रखते हुए अपनी सीटें 110-120 की डिमांड से कम करके 85 पे करी है। हम सारे इकट्ठे हैं, इलेक्शन के बाद मुख्यमंत्री सब मिलकर बनाएंगे। क्या मतलब नहीं मान रहे ना? खत्म बात हो गई, ये सम्मान हो रहा है। ओके ओके फराज की भाई, ओके फराज की भाई, इतनी बड़ी कहानी आपने सुनाई, जवाब यही था कि नहीं सुनना तो चाहिए। फराज की भाई, क्या उद्धव ठाकरे को बतौर सीएम मानते हैं आप लोग? एक सेकंड, सीएम मानते हैं? बतौर सीएम कैंडिडेट मानते हैं? अमित जी, मेरा सिर्फ इतना कहना है कि अभी महाराष्ट्र के इलेक्शन चल रहे हैं, इलेक्शन खत्म होने दीजिए। उद्धव ठाकरे जी भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं, सुप्रिया सुले जी भी मुख्यमंत्री हो सकती हैं, और नाना पटोले जी भी मुख्यमंत्री हो सकते हैं। जो कोऑर्डिनेशन कमेटी तय करेगी वो मुख्यमंत्री होगा। दूसरी बात, अपनी मुझे अभी शहजाद भाई बात कर रहे थे बड़ी एकता की और सारी चीजों की। अमीश जी, विष्णु पुराण में एक श्लोक लिखा हुआ है स्वामी जी आपको हाथ जोड़ करके, जिसमें कहा गया है कि उत्तरम यत समुद्र से हिमाद्रेश दक्षिणम वर्षम तद भारतम नाम भारती यत संतति। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि जिसके दक्षिण में समुद्र है, जिसके उत्तर में हिमालय है, उसके बीच की धरती हमारी भारत माँ है, उसमें रहने वाला हर आदमी भारतीय है। तो फिर आप 80-20 का नारा क्यों देते हैं? आप क्यों कहते हैं कि 20% मुसलमान जो है इस देश के साथ गद्दारी करता है? आप जो हैं हमेशा इस देश को, इस देश की संस्कृति को और इस देश के सोशल फैब्रिक को तार तार करने की कोशिश। गंगा जमुनी तहजीब, ओके ओके, मैं आपको आगे मौका देता हूं शहजाद के। गंगा जमुनी तहजीब को आप, आपके नेता, आपके मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री डैमेज कर रहे हैं। इन्होंने जो अभी कोट किया, जो अभी नहीं,
जो अभी नहीं विष्णु पुराण का श्लोक अभी, अरे भाई साहब आप हिंदू के झंडे बरसा रहे हैं, आपको नहीं पता इतना इनको गुस्सा आ रहा है। हिंदू को धोखा कहा इनके नेता ने, रामचरितमानस को गालियां बकी तब कुछ नहीं बोला, राम मंदिर को बेकार बोला राम गोपाल यादव ने तब नहीं बोला फराज ने कुछ। अब मेरी बात आ जाने दीजिए जी, जो उन्होंने वर्णन किया भारत माँ का बिल्कुल सही किया, मतलब भारत आज से नहीं आप मुसलमान मानते नहीं है, जिसमें आप मुसलमान मानते नहीं जी, दिस इज टू मच। आप अपनी बात को रखिए, डिबेट है बीच में कोई बोली लेता, अरे पर कितना भाई हम दो लोग हमें एक बार भी दो लोग क्या तो किसकी तरफ है? करवा दीजिए उनसे डिबेट। संजय गुप्ता किसकी तरफ है भाई, पता ही नहीं लग रहा। ओके सही बात कूद रहे थे ये इंटॉलरेंस। ओके शहजाद बोलिए, आप शहजाद बोलिए बोलिए। आइए जनाब, भारत माता का जो वर्णन इन्होंने अभी किया है तो ये भारत माता तो हजारों वर्षों से इन्होंने स्वीकार लिया। राहुल गांधी बोलते हैं इंडिया इज नॉट अ नेशन, इंडिया इज अ यूनियन ऑफ स्टेट्स, तो राहुल गांधी को जाकर पढ़ाओ ये बात। दूसरी बात, आज तो मुझे लगता है आपका प्रोड्यूसर बड़ा कंफ्यूज हो जाएगा, अमीश जी वर्सेस वैसे कैसे लगता है मेरे और इनके बीच में या स्वामी जी और विवेक के बीच में, आज तो वर्सेस विवेक जी और इनके बीच में लगाना पड़ेगा वो वर्सेस का मार्क। भाई बताइए कितना अजीब सिचुएशन है। फराज क्या बोलते हैं सुनिए कि महाराष्ट्र में मुख्यमंत्री जो है वो बाद में तय करेंगे, अपना 27 का अभी से तय कर लिया। हिंदू हिंदू की बात करें ना तो वो एंटी मुस्लिम नहीं हो जाता। और सर आप कह रहे हैं कि आप सबसे बड़े हिंदू हैं, सर जय श्री राम और जय सिया राम का मतलब ही एक होता है। और सर दूसरी बात कि आप ऐसी RJD आप ऐसी पार्टी में है ही क्यों फिर, अगर आप इतने बड़े हिंदू तो आप ऐसी पार्टी में है ही क्यों, जाति बाद में बांटती है हिंदुओं को। जी 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 आप ऐसी पार्टी में क्यों है? जी 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 सर सिया राम और श्री सर सर जय श्री राम का मतलब भी वही, और श्री का मतलब साक्षात महालक्ष्मी स्वरूपा सीता है। सर जैसे कि ये नारा दिया गया बटेंगे तो कटेंगे, सर काटते भी तो आप ही है ना? जी 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 काटते भी आप ही, जैसे कि सर बोला योगी आदित्यनाथ जी ने बोला गया था कि संत अगर निकले तो उसकी इज्जत की जाती है, बट मुस्लिम निकले तो उसके लिए। मैं इसका जवाब दे दूं बेटी, थैंक यू। हम लोग मुसलमानों का सम्मान नहीं करते, तो अगर आपको मुसलमानों से नफरत करते हैं ठीक है, ओके कानून है, मैं सम्मान नहीं करता। एक सेकंड, उनसे सवाल पूछा तो वो जवाब दे, मृत्युंजय तिवारी और वो जवाब देंगे अभी फिलहाल, एंड देन स्वामी दीपक। ये रिकॉर्ड है मेरा अमीश के शो में कि मैं कभी भी अपना स्टेटमेंट बिना इंटरप्शन के बोल ही नहीं सकता। नहीं नहीं, इन्होंने कहा ना मैं मुसलमानों का सम्मान नहीं करता, आप अपनी टर्न पे। अच्छा प्रॉब्लम सिर्फ इतनी है कि ये गतिरोध लगाते हैं, मेरे पास बुलडोजर है, मैं चलाऊंगा तो फिर बिलबिलाने लगेंगे, ये बिलबिलाएंगे और यहां से भागेंगे बिलबिलाते हुए। जय बुलडोजर, सुनिए जय बुलडोजर। अरे आप हैं संजय जी, आप किसकी तरफ है भाई? देखिए मैं वो देखे, जो बुलडोजर चलता पूरा इंडिया अलायंस कंफ्यूज है, मतलब ये तो मंच तक आते ये इंडिया अलायंस के साथ थे मंच में, ये क्या हो रहा है? जो बुलडोजर चलता है वो सही बात के लिए चलता है। सुन लो, ठाकरे के रूप में आ गए हैं चंदन साहब के फैन। देखिए आपको पता है उस्ताद बिस्मिल्ला खान को भारत रत्न कब मिला? वाजपेयी जी के जमाने में। वीर अब्दुल हामिद का सम्मान कब हुआ? मोदी जी के जमाने में। आपको पता है किस प्रकार से आज जो पसमांदा समाज जो 85% है उनको पहली बार चाहे टैप हो, चाहे शौचालय हो, चाहे स्वच्छ भारत के अंदर कोई काम हो, चाहे उनका पक्का आवास हो, वो सब आज मिला। मैं सिर्फ इतना पूछा, मुसलमान देश का नागरिक नहीं है क्या? बात कर रहे हैं, टॉयलेट मिला, अरे टॉयलेट दिया तो क्या एहसान किया? भारत के संविधान के तहत दिया आपने, ठीक है ठीक है, ओके ओके ओके। ये इतनी बड़ी बात करते हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ आजम खान पसमांदा है क्या? कितने पसमांदाओं को टिकट दिया? जरा 5 नाम गिना के दीजिए समाजवादी पार्टी ने, और देते हैं टिकट तो एक परिवार के बाहर नहीं देखा जाता इनसे। अभी भी सुन लीजिए आप कान खोलकर, जो लोकसभा की टिकट दी तेज प्रताप यादव, अखिलेश यादव, डिम्पल यादव, राम गोपाल यादव, अक्षय यादव, अशोक यादव, ये कौन है? ये पसमांदा मुसलमान है क्या? पसमांदा मुसलमानों की बात करें, शहजाद पूनावाला अपने आपको पसमांदा मुसलमान बोलते हैं? आप भारतीय जनता पार्टी से एक सभासद का टिकट ले आइए, मैं जान जाऊंगा कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बड़ी पसमांदा। अब उन्होंने पर्सनल कमेंट किया, मुझे बोलने दीजिए बिना इंटरप्शन के। आपको पता है गुलाम अली खटाना गुज्जर समाज से उनको राज्यसभा भेजा हमने, बताओ तुमने किसको भेजा? बताओ तुमने किसको भेजा? एहसान किया? अरे तुमने किसको भेजा वो तो बताओ। ओके मृत्युंजय, मृत्युंजय एक बात समझ में नहीं आ रही कि नफरत कौन फैला रहा है और प्यार कौन बांट रहा है? बीजेपी की ये हाल क्यों हुई उत्तर प्रदेश में? बिहार में आपका क्या हाल हुआ? हमारा क्या हाल हुआ? क्या हाल हुआ? हम कितना थे? कितने थे? 0 पर थे, 4 पर आए। लेकिन सुने ना, लेकिन सबसे ज्यादा वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिला। 0 पर थे और कितने पे आए? नहीं नहीं मतलब कमाल, 0 पर थे और 3 पे आए तो आप जीत गए, और आप कितने पे थे और कहां पर आए? हम 31 ले जा रहे पहले ये उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में बीजेपी कितना पर थी, कितना पर आ गई? जवाब दे। भगवान राम को लेकर के सियासत कर रहे थे, हम कह रहे हैं अयोध्या आ गए। अगर जनता को पसंद होता
तो हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी 10 लाख वोट से जीतते, उनका मार्जिन कम नहीं होता। अयोध्या बीजेपी जीतती, बीजेपी का ये हाल नहीं होता। क्यों समाजवादी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बनी, ये देखिए, ये संदेश है। अयोध्या में बीजेपी का हारना एक संदेश था आपको लगता है? देखिए, कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो देश को ध्यान में रख करके किए जाते हैं, इसलिए अयोध्या मामला ऐसा था कि जिसमें पूरे देश के हिंदुओं ने आना था। अगर बीजेपी ने उसमें कुछ इस तरह के फैसले किए कि जिससे कि वहाँ के क्षेत्र के लोगों को कुछ नुकसान हुआ, और फिर उसके बाद अखिलेश जी ने जो शायरी की, जैसे योगी जी को साइडलाइन लगाने पर एक शायरी की उन्होंने कि हजूरे वाला खामोश बैठे हैं ऐसी गम में, महफिल लूट ले गया कोई और जबकि सजाई हमने, तो उनके इस सवाल का, उनके इस जवाब का मैं इसी सवाल से दे रहा हूँ कि हजूरे वाला खामोश विपक्ष की कुर्सी में बैठे हैं ऐसी गम में कि पीएम की कुर्सी लूट ले गया कोई और जबकि अयोध्या जीती तुमने। हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जननायक आदरणीय अखिलेश यादव जी, वो एक पीडीए की लड़ाई लड़ रहे हैं, और उस पीडीए की लड़ाई में न्यूज 18 एक बहुत प्रतिष्ठित चैनल है। अभी ये टाइम दिखाइए, अरे सुनिए, टाइम दिखा दे तो ठीक है, अभी ये टाइम दिखा दे ठीक है, अरे बताओ, आप दिखाएंगे वो नहीं दिखाएंगे, वो भी दिखाएंगे। न्यूज 18 ये बोलता है कि इस देश के, एक सेकंड, न्यूज 18 ये बोलता है कि आज इस देश के 92% SC ST और OBC देश के गटर और सेप्टिक टैंक साफ कर रहे हैं। अमीश जी, आदरणीय अखिलेश यादव जी, दलितों और ओबीसी के साथ ये नहीं होने देंगे। दलित और ओबीसी इस देश का वाइस चांसलर बनेगा, दलित और ओबीसी इस देश का प्रोफेसर बनेगा, दलित और ओबीसी इस देश के हाईकोर्ट का जज बनेगा। आप दलित और ओबीसी गटर नहीं साफ करेंगे। ओके ओके, शहजाद पुरवाला आप और देन मृत्युंजय, इन्होंने कहा दलित ओबीसी का व्यक्ति जो है वो इस चांसलर बनेगा, फलाना बनेगा, सब कुछ बनेगा। हमने तो देश का प्रधानमंत्री इस देश का ओबीसी बनाया है। अरे भाई फिर से बीच में, दिस इज रियली अनफेयर। पर इनको पूछिए कि इनकी पार्टी में अखिलेश यादव की पार्टी के बाहर कौन सा दलित या ओबीसी राष्ट्र अध्यक्ष बनेगा, पूछिए इनसे, नहीं कोई बनेगा। हमने अयोध्या की जनरल दोनों बता दीजिए, आपकी आपकी पार्टी में आखिरी राउंड है, आपकी पार्टी में तेजस्वी यादव के बाहर कोई सीएम हो सकता है क्या? देखिए, ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र में जनता जनता मालिक है। इसमें कौन सा हम इसमें सर्टिफिकेट देते हैं कि वो नहीं बनेगा, ये कैसे सर्टिफिकेट दे देंगे? तेजस्वी यादव की जेल गए तो राबड़ी को बनाया था, विधायक दल के नेता चुनी गई राबड़ी देवी सीएम बनी। इसके लिए बीजेपी सर्टिफिकेट देगी। मैं कह रहा हूँ तेजस्वी यादव, अगर बाई चांस आपको बड़ा मैंडेट मिलता है बिहार के अंदर, तो क्या यादव परिवार से बाहर का भी कोई व्यक्ति सीएम हो सकता है? मृत्युंजय तिवारी सीएम हो सकता है? कोई भी हो सकता है, विधायक दल के नेता जो चुने जाएंगे वो सीएम बनेंगे। आपके यहाँ भी ऐसा हो सकता है कि अखिलेश यादव ही है? देखिए, हमारे यहाँ जब राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो मुख्यमंत्री कोई भी हो सकता है, दलित से भी, ओबीसी से भी, और डिंपल यादव जी भी हो सकती है, और कोई भी हो सकता है। चलिए, ओके, परिवार तक ही इनकी दौड़ है कि अखिलेश जाएंगे तो डिंपल आएगी, अरविंद जाएंगे तो सुनीता आएगी, लालू जाएंगे तो राबड़ी जाएंगी, स्टालिन जाएंगे। आपके पास परिवार ही नहीं, आपके पास परिवार ही नहीं। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को यहाँ पर जुड़ने के लिए। तो आज के इस खास कार्यक्रम में इतना ही, उम्मीद है ये कार्यक्रम आपको पसंद आया होगा। आप सबको मेरा नमस्कार। फिलहाल आज के एडिशन में इतना ही, धन्यवाद।